मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने वाराणसी संगठन में कोई फेरबदल नहीं किया। संगठन चुनाव में अपने पुराने फार्मूले और पुराने पदाधिकारियों को रिपीट किया है। एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया है। वहीं वर्तमान में पदासीन विद्यासागर राय को फिर महानगर अध्यक्ष की कमान दी है। उनके सहारे पार्टी ने समान वर्ग के साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं को भी साधने की कोशिश की है। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के तहत महानगर और जिला अध्यक्ष के लिए बड़ी संख्या में आवेदन हुए थे। संगठन कार्यकर्ताओं में अपनी पकड़ मजबूत करने वाले की समीक्षा में फिर पुराने चेहरे ही खड़े उतरे। वाराणसी में पिछला वर्ग के मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए हंसराज विश्वकर्मा पर तीसरी बार विश्वास जताया गया है। कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने में जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा का अहम योगदान रहा है। इसके चलते पिछले दिनों भाजपा ने उन्हें विधान परिषद सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। वहीं लोकसभा चुनाव में इलेक्शन एजेंट और भाजपा के वर्तमान पदासीन विद्यासागर राय को फिर से महानगर अध्यक्ष बनाया गया। विद्यासागर राय संगठन से लंबे समय से जुड़े हैं। वहीं जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा और नगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रबल सहमति मानी जा रही। दोनों ने पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बड़ी जीत में दोनों नेताओं ने जो चुनाव प्रबंधन किया उसी का इनाम उन्हें मिला है।